नमस्कार, आप सबको बताएं कि एलएसी पर इस वक्त टेंशन है और चीन भारत के खिलाफ लगातार साजिश रच रहा है। चीन अपने एरिया में लगातार धोखेबाजी का नया प्रपंच रचता है और हर बार इस प्रपंच के चक्कर में चीन खुद ही मारा जा रहा है। हमने देखा, अभी तक तारीखें इसकी गवाह रही हैं। 15 जून से लेकर 28 और 29 अगस्त की रात क्या हुआ, 7 सितंबर को क्या हुआ, 1 सितंबर को क्या हुआ, ये पूरी दुनिया ने देखा है। चीन अब एक नई साजिश रच रहा है और वो ये कि वो अपनी सेना की संख्या लगातार बढ़ा रहा है, अपने हथियारों की संख्या लगातार बढ़ा रहा है, अपने टैंक, अपने फाइटर प्लेन्स की तादाद लगातार बढ़ा रहा है। और आपने देखा कि किस तरह से फाइटर बोट्स उसने पैंगोंग सो के इलाके में उतार दिए, जिन्हें आर्मर्ड बोट कहा जाता है, उन्हें उतार दिया था चाइना ने पैंगोंग सो के इलाके में फिंगर 8 से फिंगर 5 के बीच। लेकिन अब इस मामले में एक नई जानकारी सामने आ रही है। चीन अपने एरिया में कौन सा प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश कर रहा है, चीन अपने इलाके में कौन सी नई धोखेबाजी वाली प्लानिंग कर रहा है, चीन अपने एरिया में भारत के खिलाफ कौन सी रणनीति तैयार कर रहा है, अब ये जानने का वक्त आ गया है। और भारत ने एलएसी पर चीन की हर साजिश पर नजर रखने के लिए कुछ ऐसा पुख्ता बंदोबस्त कर लिया है जिससे चीन घबराया हुआ है। वो बंदोबस्त क्या है, कैसे भारत पता लगाएगा कि चीन क्या कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ एक एक चीज। आप समझिए, CCS यानी रक्षा मंत्रालय की जो कोर कैबिनेट होती है उसकी बैठक में तकरीबन 7800 करोड़ रुपए के लिए के जरिए आर्मी स्टेटिक स्विस्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क, एक सर्वेलांस सिस्टम है, इसे बनाने का या स्थापित करने का फैसला किया गया है। ये बहुत जल्द स्थापित हो जाएगा और ये कहा यह जा रहा है कि बहुत हाई बैंडविड्थ के साथ ये काम करेगा। हाई बैंडविड्थ के साथ काम करने का मतलब कि कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी मैसेज, कोई भी अगर चीज़ एलएसी के एरिया में पहुंचानी है तो बहुत सेफ, सिक्योर और इनक्रिप्टेड मैसेज आप पहुंचा सकते हैं किसी के पास, भारत के किसी भी जवान के पास, किसी भी पोस्ट पर, और इसे चीन पढ़ भी नहीं पाएगा, ऐसी व्यवस्था की गई है। मैं आपको पूरी जानकारी और देता हूँ इस मामले में और क्या हुआ है। 7800 करोड़ रुपये की इस योजना को लागू करने के बाद दुश्मन देश की सीमा पर कोई भी नापाक कारस्तानी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे ही चीन, अगर मान लीजिए चीन अपनी सीमा पर अपने जवानों को भेजने की कोशिश करता है, एलएसी की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, तो हमारे पास ये कम्युनिकेशन नेटवर्क ऐसा है कि उसकी पहले ही भनक दे देगा। एक तरीके से ये रडार सिस्टम की तरह काम करता है, ये पहले ही बता देगा कि क्या होने वाला है, दुश्मन अब कैसे मूवमेंट कर रहा है, ये सब जानकारी पहले दे देगा। वैसे आपको ये भी बता दें, एसकॉन, जिसे आर्मी स्टैटिक स्विस्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क कहा जाता है, इसकी स्थापना इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री करेगी और ये फोर्थ फेज, चार फेज में इसे पूरा करने का पूरा एक खाका खींच लिया गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि संवेदनशील इलाकों में, जहां ये माना जाता है कि चाइना के लिए घुसपैठ करना बहुत आसान है, उन इलाकों में इसकी स्थापना की जाएगी ताकि वहां से चीन की हर हरकत पर नज़र रखी जा सके, और इसके लिए 7800 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं।